स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रस्ट ब्रिज के बारे में। ट्रस्ट ब्रिज किस तरीके से वर्क करता है, उसका लोड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है और उस ट्रस्ट ब्रिज में कौन सा शेप सबसे अच्छा होता है, यानी कि कौन सा शेप सबसे अच्छा लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है बिना पोजीशंस को चेंज किए हुए, तो उसके बारे में जानेंगे। तो उस पे नजर रखने से पहले एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली बताना चाहूंगा कि लोड को कौन सा शेप सबसे अच्छा बियर करता है। तो एक बार चलते हैं प्रैक्टिकली, फिर उसके बाद हम चलेंगे साइट पे कि कौन सा पार्ट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो अब चलते हैं, एक नजर डालते हैं प्रैक्टिकली कि कौन सा शेप अच्छा होता है। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं, एक ट्रस्ट का मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। आप ट्रस्ट ब्रिज जो देखते हैं, जिसको हम स्टील गर्डर ब्रिज बोलते हैं, उसमें आप देखेंगे कुछ रेक्टेंगुलर और ट्रायंगल शेप का हमारा बना होता है, जो वर्टिकल मेंबर होते हैं, जो डायगोनल मेंबर होते हैं। तो उस पे लोड कौन सा सबसे ज्यादा सुटेबल होता है कि उस लोड को बेयर कर लेता है, उसको रजिस्ट करता है बिना अपने पोजीशन को चेंज करते हुए। तो एक बार मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ रेक्टेंगुलर में। तो आप देख रहे हैं ये अपना एक रेक्टेंगुलर मेंबर है। अब आप देख रहे हैं अगर इस पे कोई भी फोर्स अगर एक साइड से आएगा, तो आप देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, यहां से मैंने इसको फोर्स दिया, ये क्या हुआ, घूम गया, मूवमेंट कर गया, मतलब ये अपने पोजीशंस को चेंज कर दिया। आप चेंज किया तो इसका मतलब यहां पे एंगल बना लिया, यहां पे एंगल बना दिया, यहां पे एंगल बना दिया, यहां पे एंगल बना दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट तो करेगा, पर उसके साथ साथ ये हमारा स्ट्रक्चर्स का जो मेंबर्स हैं उनको भी, पोजीशंस को भी ये चेंज कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये सुटेबल नहीं है। आप देख रहे हैं इधर से हमने लगाया फोर्स, इधर जा रहा है, फिर अगर मैंने इसको इस साइड से फोर्स लगाया तो ये क्या जाएगा, इस साइड जाएगा। देख रहे हैं, मतलब ये सुटेबल नहीं है। ये बाद में क्या होगा, जैसे ही लोड आएगा, लोड आने के बाद ये क्या करेगा, ये कोलैप्स हो जाएगा, मतलब ये सुटेबल नहीं है। अब चलते हैं इसमें, मैं अगर यहाँ पे एक डायगोनल मेंबर लगा दूं, अगर मैं इसको डायगोनल मेंबर इस तरीके से लगा देता हूँ तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में देखते हैं। अब आप देख रहे हैं मैंने इसमें एक डायगोनल लगाया, जैसा कि आप देखते हैं स्टील गर्डर में जो हमारे जो ब्रिजेस होते हैं उसमें कुछ डायगोनल शेप में भी लगे होते हैं, तो उसको क्यों लगाया जाता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, एक बार प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए मैंने ये डायगोनल लगाया, अब देख रहे हैं मैं इस पर अगर फोर्स लगा रहा हूँ, ये देख रहे हैं फोर्स लगा रहा हूँ तो ये घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, ये मूवमेंट नहीं कर रहा है। इस साइड से भी मैंने लगाया तो ये नहीं जाने दे रहा, इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे ये डायगोनल लगाने से एक ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है और दूसरा ट्रायंगल जो है इस साइड बना है। इसका मतलब ये कि जो हमारे ट्रस्ट ब्रिज होते हैं उसमें हम डायगोनल लगाते हैं तो वहां पे ट्रायंगल बनते हैं और ट्रायंगल जो है सबसे अच्छा लोड को बियर करता है और साथ ही साथ पोजीशंस को चेंज नहीं करता। यहां पे देख रहे हैं ये लगाने से ऑलरेडी यहां पे एक एंगल बना, यहां पे भी एंगल बना, यहां पे भी एंगल बना और यहां पे भी एंगल बना, और ये क्या कर रहा है, फोर्स को अच्छा रजिस्ट कर रहा है, धक्का देने पे, लोड देने पे, देख रहे हैं ये मैं पुश कर रहा हूं, इसको फोर्स दे रहा हूं, पर ये अपने पोजीशंस को चेंज नहीं कर रहा है लोड को, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और ये पोजीशंस को चेंज नहीं कर रहा, मैं दोनों साइड दे रहा हूं, देख रहे हैं आप, देख लिया आप। अब दोस्तों चलते हैं इसको साइड पे, जानते हैं कि जो हमारे ट्रस्ट ब्रिज में इन सारे मेंबर्स को क्या बोलते हैं, इनका नाम क्या होता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको दिखाया एक प्रैक्टिकली करके कि कौन सा शेप सबसे अच्छा होता है, जैसा कि आप सभी लोग जान गए होंगे कि जो रेक्टेंगुलर होता है वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है पर उसके साथ ही साथ अपने पोजीशंस को भी चेंज कर देता है। और उसी के दौरान मैंने आपको ये भी दिखाया कि ट्रायंगल जो शेप होता है वो सबसे अच्छा होता है, वो अपने पोजीशंस को चेंज नहीं करता है और साथ ही साथ लोड को काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रायंगल हमारा WWE के खली जैसा है, उनके ऊपर कितना भी फोर्स किया जाए, उनके ऊपर कितना भी फोर्स दिया जाए, वो अपने पोजीशंस पे हटते नहीं है और वो खड़े रहते हैं WWE के मंच पे। तो दोस्तों उसी प्रैक्टिकल को मैं आपको यहाँ पे साइड में दिखाना चाहूंगा। मैं एक ब्रिज पे खड़ा हूँ जो मेरे ऊपर एक ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, वो स्टील थ्रो गडर के द्वारा बनाया गया है, जिसको हम ट्रस्ट ब्रिज बोलते हैं। ये ट्रस्ट ब्रिज भी आप जानते होंगे कि यह एक सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, जो सुपर स्ट्रक्चर से आए हुए लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि मूवमेंट करता है किसमें, सुपर स्ट्रक्चर्स में, और सुपर स्ट्रक्चर्स ट्रांसफर कर देता है फाउंडेशंस में, जिससे हमारा ब्रिज सालों साल चलते रहते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये किस शेप का बना हुआ है, तो आपने देख लिया होगा यह एक धनुष के आकार का है, यानी इसको हम बोलते हैं बो स्ट्रिंग ब्रिज। ये बो स्ट्रिंग ब्रिज के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह एक धनुष के शेप के आकार का है। तो दोस्तों अब जानते हैं इसके पार्ट क्या क्या हैं। आप देख रहे हैं जो हमारा धनुष की तरफ बना हुआ है जो टॉप में है, इसको हम टॉप कोर्ड बोलते हैं। फिर आता है नीचे वाला पार्ट को, जो हमारा एक नीचे आप देख रहे हैं बीम लगा है, उसको हम बॉटम कोर्ड बोलते हैं। फिर आप देखेंगे इसमें वर्टिकल मेंबर लगे हुए हैं, इसको हम वर्टिकल मेंबर बोलते हैं।
और साथ ही आप देखेंगे बोथ साइड यानी कि दोनों साइड क्या है एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है, वो उनको डायगोनल मेंबर कनेक्टेड बोलते हैं, जिसके द्वारा दोनों साइड को कनेक्ट किया गया है, वहां पे डायगोनल दिया गया है। कहीं कहीं पे आपको नजर आएगा कि ये जो हमारे वर्टिकल मेंबर है यहाँ पे एक डायगोनल भी देके कनेक्ट करते हैं, पर यहाँ पे डिजाइनर ने टॉप कोट को दोनों साइड से कनेक्ट किया है, कनेक्ट करने के बाद उसको डायगोनल मेंबर से भी कनेक्ट किया गया है। आप यहाँ पे जो डायगोनल बन रहा है वहां पे आप देखेंगे वहां पे काफी ट्रायंगल बन रहे हैं, उसी ट्रायंगल्स की वजह से ये हमारा ट्रस ब्रिज जो है टिका हुआ है और लोड को काफी अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो दोस्तों मैं बात करूं इस ट्रस ब्रिज में लोड के बारे में, तो इसमें दो टाइप के लोड आते हैं, पहला आता है हमारा कंप्रेशन, दूसरा आता है हमारा टेंशन। अब जानते हैं इसमें कंप्रेशन और टेंशन लोड कहाँ पे आते हैं। तो आप एक बार यहाँ पे नजर लगाएंगे तो जो हमारा टॉप कोड है यहाँ पे कंप्रेशन लोड क्रिएट होता है, फिर जो हमारा नीचे एक बीम टाइप का बना हुआ है जिसको हम बॉटम कोड बोलते हैं उसमें हमारा टेंशन लोड क्रिएट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो चीज यहाँ पे आ गई तो जो वर्टिकल मेंबर लगे हैं डायगोनल मेंबर लगे हैं उनका क्या काम है। उनका काम ये है कि ये वर्टिकल और डायगोनल मेंबर जो है इसमें दोनों लोड ही आते हैं, कंप्रेशन और टेंशन लोड, जिसकी वजह से ये लोड को रजिस्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों अब आपको लोड के बारे में भी क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे कौन कौन से लोड क्रिएट होते हैं। अब जानते हैं कि हम यहाँ पे स्टील गटर ही क्यों यूज किए गए हैं, यहाँ पे हमारा ट्रस्ट ब्रिज ही क्यों यूज किया गया है। तो जनरली आप जानते होंगे कि अगर हमारा 30 मीटर तक ही स्पैन है तो उस कंडीशन में हम ज्यादातर से कंक्रीट का स्पैन यूज करते हैं यानी कि पीएससी गटर यूज करते हैं। या अगर यही हमारा स्पैन बढ़ जाता है यानी कि 30 मीटर से लेके 250 मीटर तक का अगर हमारा स्पैन आ रहा है तो उस कंडीशन में हम ऐसा ट्रस्ट ब्रिज का यूज करते हैं जिससे हमारी व्हीकल्स जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को आसानी से जा सकते हैं। इसका रीजन ये है कि यह एक लाइट वेट होता है, वाइब्रेशंस को अच्छा एब्जॉर्ब करता है और साथ ही साथ यह मेंटेनेंस में भी काफ़ी अच्छा होता है और लोड को सुपरस्ट्रक्चर से फाउंडेशंस में ट्रांसफर करने में काफ़ी इजी होता है, इसलिए हम स्टील थ्रो गर्डर का यूज करते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए है कि आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह ट्रस्ट ब्रिज रोड पोजिशंस के अकॉर्डिंग कितने टाइप के ट्रस्ट ब्रिज होते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रोड बेड पोजीशंस के अकॉर्डिंग हमारे ट्रस्ट ब्रिज कितने टाइप के होते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ। तो आज के लिए अलविदा, जय हिंद।